Hello everyone, I'm Anu Sahadev, a nutritionist. Today I'm here to talk about mental health. Mental health is very important to everyone and it is important in every stage of life. Respect yourself, love yourself and live your life in a enjoyable manner, right? So why the question is why it is important to maintain your mental health? First, it's help to cope up with stress. Mental health अच्छा होगा तो हम उतने ही अच्छे से अपने stress level को, अपने anger level को, अपने disappointments जो life में हर एक की life में आती है उससे हम cope up कर सकते हैं, right? Second, हमारी फिज़िकल हेल्थ भी डिपेंड करती है हमारी मेंटल हेल्थ पे. इफ़ यू एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सेल्फ, ऑब्वियस है आपकी फिज़िकल हेल्थ भी का भी उस पर अच्छी इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है. नेक्स्ट, इट्स गिव्स अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ अस. अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकेंगे और मेंटेन रख सकेंगे, राइट? नेक्स्ट, the work productivity. If you have a good mental health, then aapki productivity level bhi badh jayenge. Aap interest se sare kaam karenge, apne shauk se kaam kiye hue ka output bhi bahut acha aata hai, aur you enjoy that work also. Next, realize your potential. Agar if you are in a good mental health, to obvious hai aap apni potentials ko, apne IQ level ko bahut acche se apne jaan sakenge aur उसको आप जान के उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट? बट ये तो हमने पता चल गया कि मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है, बट हाउ टू इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ? क्योंकि डेली लाइफ में हमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तो चाहिए ही होता है ना कुछ मोटिवेशन. और उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, राइट? जैसे आज इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे को अच्छा सा अपना लवली सा म्यूज़िक लगाना पड़ा आप लोगों के साथ, तो मैं इन्जॉय ज़्यादा कर रही हूँ. तो आज मैं आपके साथ भी कुछ डिस्कस करूँगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं अपनी लाइफ को. फर्स्ट, डू समथिंग फॉर यू, मतलब अपने लिए कुछ करो जिससे आपको खुशी मिले. इससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप अपना आउटपुट अच्छा दे सकेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल पे ध्यान रख सकेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा. तो द फर्स्ट पॉइंट टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ इज डू समथिंग फॉर यू, राइट? द सेकेंड पॉइंट इज कीप योर माइंड इन ए पॉजिटिव वे. कभी भी नेगेटिव मत सोचिए कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या करें. और अगर हम जितना नेगेटिव सोचेंगे हमारे अंदर उतनी ही डिप्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, एंगरनेस होगी. तो ऑलवेज कीप योर माइंड इन अ पॉजिटिव मैनर, थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि नहीं ये होगा, ठीक होगा, सब अच्छा होगा. तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव बंदा होता है उसने कभी नेगेटिव देखी नहीं होती. सब ने देखी होती है, सब इस सिचुएशन से पास हुए होते हैं. ये सिचुएशन से पास होते हैं तभी तो वो पॉजिटिव को रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव जो ये पॉजिटिव हमें कैसे बनाना है अपने आप को और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है. नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू थैंक यू टू से गॉड, मतलब कभी भी भगवान को शुक्रिया करना मत भूलिए. प्लीज़, आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग फिर से ये गॉड को थैंक यू कहना भूल चुके हैं. तो वो मैं यही चाहूँगी कि आप कभी भी थैंक यू कहना, जो है उसके लिए थैंक यू कहना मत भूलें. और अब जो आप हैं, एक्सेप्ट यूर सेल्फ एज यू लाइक. नेक्स्ट, कीप एक्टिव. फिजिकल एक्टिवनेस अगर होगी तो मेंटल हेल्थ वैसे ही अच्छी रहेगी. तो अपने आप को एक्टिव रखें और अपनी एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज का ज़रूर इंक्लूड करें. योगा करें, डांस करें, लिसनिंग म्यूजिक करें, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़.
तो कीप योर बॉडी इन द एक्टिव मूड। उससे क्या होगा, आपके स्लीपिंग मोड्स, आपके मूड स्विंग्स, आपका डिप्रेशन लेवल बहुत कम हो जाएगा और यू इन्जॉय योर लाइफ एंड इन्जॉय योर जिंदगी, राइट। नेक्स्ट, ईट वेल, जो मेरा टॉपिक है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ईट वेल, राइट। आपको अच्छी हेल्थ के लिए, ये नहीं कि फिजिकली भी, मेंटली हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। डोंट गो फॉर अ प्रोसेस फूड, बेकरी फूड्स, फ्राइड फ्रूट्स लाइक शुगर फूड्स, राइट। तो यू गो फॉर अ हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस हैं और आप कुछ भी खाए जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और फिजिकली भी हेल्थ अपनी ख़राब कर रहे हैं। तो डोंट डू दिस। अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है लाइफ, तो लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को मेंटली हैंडल करो और फिजिकली हेल्थ को अपने ढंग के खाने से हेल्प कीजिए। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो मेंटली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और उसको एक्टिव रखने के लिए, लाइक एक्टिव या फ्रेश रखने के लिए वो फूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही वो आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो वो फूड्स हैं, सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मैं बोलूँगी आपको कुकुम्बर, स्पिनिच, लीफी वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स में हैं एप्पल, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स, कीवी और बेरीज। ये आप लोगों को हेल्प करेंगे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, या डिप्रेशन हो जाता है ड्यू टू एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन इफ यू फील अ स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, तो टेक दीज फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जो है आपको हेल्प करेंगे। यू टेक बेरीज, बेरीज आर वेरी गुड इन डिप्रेशन और एंड इन मूड स्विंग्स। तो ईट वेल एंड स्टे हेल्दी, राइट। नेक्स्ट है, टेक अ लिटिल लिटिल ब्रेक फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, नॉट लार्ज ब्रेक, बट यू कैन टेक अ लिटिल लिटिल ब्रेक। लाइक कोई काम कर रहे हैं, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो लेट्स लिसनिंग अ म्यूजिक या कोई भी अपनी हॉबी को पकड़ लिया, 5 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लिया, या अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या लैपटॉप का काम कर रहे हैं तो साइड में विंडो खोल ली, जो भी आपकी हॉबीज़ है उससे भी आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। पहले ज़माने में कहते थे ना लेडीज़, या घर में कोई भी बड़ा कहता था, गुस्सा आ गया ना, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ अपने आप को। तो वो किस लिए होता था, कभी सोचा? वो इसलिए ही होता था कि आपकी जो मेंटल है, जो गुस्सा है, जो मूड स्विंग्स हैं, जो भी आपके अंदर एक्टिविटी सर्कुलेशंस में चल रही है वो रिलैक्स हो जाए। तो इस यही होता है कि जब भी छोटी छोटी ब्रेक्स अपने बिजी शेड्यूल से ले लेंगे तो आप देखिए आपकी वर्क की आउटपुट भी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो आपको टिप्स दिए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव अ मेंटल हेल्थ, ये तो मेरी तरफ से टिप्स हैं, बाकी इट्स अप टू यू कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, राइट। और लास्ट पॉइंट, इन्जॉय योर हॉबीज। मैं हमेशा अपनी मोस्टली अपनी वीडियोस में यही सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ इन्जॉय ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी हॉबीज़ को कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल से पीछे मत छोड़िए। ज़रूर अपनी हॉबीज़ को, कोई भी अगर कोई भी हॉबी हो, उसको 5 या 10 मिनट्स अपनी लाइफ में ज़रूर इन्जॉय कीजिए। फिर देखिए आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी है, और जब आप हेल्दी हैं तो आप अपनी लाइफ को इन्जॉय भी अच्छा सा कर सकते हैं। क्यों? लव योर जिंदगी, और जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए ईट वेल, स्टे सेफ एंड कीप योर मेंटल इन अ हेल्दी मैनर। बाय बाय, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इज इफ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।